अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। ये वीडियो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को होता है, उसके अराउंड इंशाल्लाह ताला मैं वो करूँगा, इसको पब्लिक करूँगा। ब्लड प्रेशर बड़ा ही कॉमन है और जो थर्ड वर्ल्ड लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से इसका बर्डन और बढ़ता जाता है। अमेरिका जैसे मुल्कों में भी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे 40-50% लोग जो हैं ब्लड प्रेशर के, उनकी एडिक्वेट ट्रीटमेंट होती है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, और पाकिस्तान में ये नंबर उससे भी नीचे है। तो ब्लड प्रेशर सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है गुर्दे ख़राब होने की, हार्ट डिजीज़ की, स्ट्रोक की, फालज की, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, सडन डेथ हो जाती है, ब्रेन में हेमरेज होता है, रीज़न उसकी ब्लड प्रेशर होती है। तो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट जो है, ये वीडियो आम लोगों के लिए भी है, मरीजों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है, जीपीज के लिए जो प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है। मैं पाकिस्तान में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 15-20 साल मैंने अमेरिका में किया है। तो जो मैंने 11 कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि जब ब्लड प्रेशर का इलाज जो होता है उसमें क्या कॉमन गलतियाँ होती हैं, ये गलतियां मरीज भी करते हैं, कुछ डॉक्टर्स की भी मिस्टेक होती है, कुछ मिलके होती है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है। तो आज हम उन 11 मिस्टेक्स की या मेडिकल एरर्स की बात करेंगे, जो सिर्फ पाकिस्तानी लोगों में नहीं कि पाकिस्तान में होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, हर जगह हर तरह के फिजिशियंस हैं और ये मिस्टेक्स होती हैं। ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट इसको मैनेज करता है, तो सबसे अच्छा डॉक्टर ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए है वो नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले नंबर वन मिस्टेक जो मेरे ख्याल में जो कॉमनली होती है, वो नॉट एक्यूरेटली मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, कि बीपी को आप सही तरह से मेजर ही नहीं करते, रिकॉर्ड ही नहीं करते, आपको चेक ही नहीं करना आता, आपका कफ साइज ठीक नहीं है, या आपका ब्लैडर फुल है, या आपने पीछे टेक नहीं लगाई हुई, या आपके पाँव नीचे नहीं लगे, या कपड़ों के ऊपर से ले लिया, या अब जब आप एक्साइटेड हो, देर आर सो मेनी वेज यू कुड मेक अ मिस्टेक, जिससे ओवर या अंडर एस्टिमेशन हो जाती है, तो फिर आप ट्रीट कैसे कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे जो मिस्टेक है, पेशेंट को एजुकेशन ही दी जाती, नो पेशेंट एजुकेशन। मरीज आता है, बीपी दवाई लिखी, घर जाए, जब आप उसको बताएंगे नहीं कि ये दवाई फॉर एवर के लिए है, हमेशा लेनी है, इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसकी कॉस्ट क्या है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो मरीज कैसे लेगा, उसको पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर क्या है। उसको बताएं कि ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होनी है, इसको हमने कंट्रोल करना है, जिस दिन छोड़ेंगे बीपी ऊपर नीचे ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि 4 हफ्ते के बाद अगर आपने बुलाया तो 4 हफ्ते की दवाई उसके बाद छोड़ देनी है, ऐसे नहीं है। तो पेशेंट को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी मिस्टेक जो है ये मरीज करते हैं कि नॉन कंप्लायंस टू मेडिसिन एंड ड्रग्स और डाइट, के दवाई घर जाके छोड़ दी, खाने का एहतियात नहीं किया, ज़्यादा नमक वाले सोडियम वाले खाने खाते रहे, ज़्यादा फैटी फूड खाते रहे, डाइट के साथ एक्सरसाइज भी आ जाती है, एक्टिविटी कोई नहीं की, तो ऐसे कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है कि आप जो मर्जी खाएं, सोडा पेप्सी कोक भी चल रही, नमक भी चल रहा है, टिक्के कबाब भी चल रहे, और साथ आप दवाई भी ना लें और के ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, ऐसे नहीं होता। चौथी मिस्टेक जो है, घर में जाते हैं, पता चल जाए, कुछ लोग बड़े एंग्शियस होते हैं, कुछ तो ख्याल ही नहीं करते, वो बार बार ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, हर 2 घंटे बाद ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। जब बार बार करेंगे तो आप नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होगा, बीपी ऊपर जाएगा, आपको एंग्जाइटी होगी, उससे और ऊपर जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कुछ पता नहीं है, कभी दवाई खुद ही दवाइयाँ ले रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता अनलेस डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपने चेक करना है, उसमें भी 2 या 3 दफ़ा रीजनेबल होता है, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप बार बार चेक करेंगे तो ये भी मिस्टेक है। पांचवी मिस्टेक ये कि कभी ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है खुद ही, या अस्पतालों में भी, बड़े बड़े अस्पताल भी जुबान के नीचे वो कैपोटेन और नाइट्रोग्लिसरीन और ऐसी मेडिसिन रख देते हैं, खतरनाक है, हार्ट अटैक हो सकता है, डेथ हो सकती है। जुबान के नीचे बीपी की दवाई कभी नहीं रखनी, ये गलती है। आप बाई माउथ ही मेडिसिन लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा हो, देनी पड़े तो फिर आईवी दी जाती है, जुबान के नीचे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स होता है। छठी गलती, डॉक्टर्स के भी आपके गलत दवाइयाँ सेलेक्ट करते हैं, उसकी कंपेलिंग इंडिकेशन किसी और दवाई की देनी, कोई और चाहिए दी कोई और है, उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बनाया, दोनों दवाइयाँ एक ही मैकेनिज्म से एक्ट कर रही हैं, तो उसका मरीज को फ़ायदा नहीं होगा।
तो ये डॉक्टर्स के बिहाफ पे एक मिस्टेक है कि इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट दिया, उसकी डोज सही नहीं है, ड्रग सही नहीं है, उसकी ड्यूरेशन किस टाइम पे देनी है वो सही नहीं है, मरीज को गाइड नहीं किया हुआ। सातवीं मिस्टेक भी डॉक्टर्स के बिहाफ पे फिजिशियन इनर्शिया, जैसे मरीज कभी कभी दवाई लेने से तंग आ जाता है ना, डॉक्टर भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके तंग आ जाते हैं, क्योंकि मरीज है आई जा रहा और उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो सॉर्ट ऑफ इसको इग्नोर करते हैं, थक जाते हैं, नॉलेज नहीं होता कि और क्या कर सकते हैं, मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं, पता नहीं होता क्या करना, तो वो बस ब्लड प्रेशर लिखते हैं कि हाँ ठीक फील कर रहे हैं तो ठीक है आप अगली दफ़ा फिर आइएगा। तो डॉक्टर्स के भी आप एक तरह से आप समझें कि वो भी तंग आ जाते हैं कि अब इसको और क्या करें, इसका तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो फिजिशियन इनर्शिया बहुत बड़ी एक रीज़न है। आठवीं मिस्टेक कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रहा, कुछ सेकेंडरी कॉज रूल आउट ही नहीं की, मरीज आते हैं उनके बाद में 6 महीने बाद किडनी फेल हो जाते हैं, किडनी डिजीज़ बहुत बड़ी कॉज है हाई ब्लड प्रेशर की, अंडरलाइन के गुर्दों की सोजिश है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, CKD है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस है, एंडोक्राइन हार्मोन्स के इशू है, तो कैसे आप करेंगे, वो नहीं होता। सेकेंडरी कॉज रूल आउट होनी ज़रूरी है कि किस वजह से बीपी ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों में तो वजह नहीं होती, कुछ में होती भी है। नौवें नंबर पे एक मेडिसिन होती है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड डायूरेटिक्स, कभी कभार कॉम्बिनेशन में वो देनी बड़ी ज़रूरी होती है ब्लड प्रेशर के अच्छे कंट्रोल के लिए, अगर आप वो नहीं यूज़ करेंगे जब उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होगी तो एक मिस्टेक होगी। दसवीं मिस्टेक मेरे ख्याल में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन में हेल्प करती हैं, बेनिफिट करती हैं, जैसे लोसार्टन है, वेलसार्टन है, नैलाप्रिल है, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ब्लॉकर है, वो दी है, उससे थोड़ी सी क्रिएटिनिन ऊपर जाती है तो वो बंद कर देते हैं, हालांकि उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफेक्ट है। मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि इसको ऐसे समझें कि हमने खुद आपके गुर्दे थोड़े से स्लो किए ताकि वो लंबा अरसा चलें, जैसे आपको अल्लाह ताला ने खास रिस्क उतारा है आपके लिए, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी आपको मिलेगी। इसी तरह से जो एथलीट्स हैं दौड़ते हैं उनका हार्ट रेट कम हो जाता है, आपकी नब्ज़ें भी गिनी हुई हैं, जितना आपका हार्ट रेट कम साइड पे होगा एक्सरसाइज की वजह से तो आप ज़्यादा हेल्दी होंगे, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा होगी, नब्ज़ें उतनी हैं, पल्स आपकी उतनी मिलनी है, खाना उतना ही है। इसी तरह से इसमें है कि आप बेसिकली उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं ताकि इन दवाइयों का असर, उसको बंद करना गलती है। और आखिरी नंबर पे मिस्टेक है कभी कभार बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं, पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर के, बहुत इंटेंसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल का कोई रोल नहीं है, बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स ने ये शो किया, जैसे स्प्रिंट है, कॉर्ड है, कि ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा नीचे लाना भी ठीक नहीं है, गर्मियों में ब्लड प्रेशर एडजस्ट उसकी मेडिसिन करनी पड़ सकती है, कभी कभार स्ट्रोक के साथ मरीज आता है बीपी थोड़ा सा उस वक्त ऊपर जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंस मैकेनिज्म होता है, खामखा में आप दवाई उसको दे दें बीपी नीचे जाएगा, स्ट्रोक और बढ़ जाएगा, कुछ कंडीशन में ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं करना होता। अगर कोई पेशेंट आया 180-120 भी है, सिम्टम्स कोई नहीं है, अलामत कोई नहीं है, तो स्टडीज़ कहती हैं कि उसको आराम से कंट्रोल करें दवाइयों से, उसको कोई आईसीयू में दाखिल करके टीके लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 11 मिस्टेक्स हैं जो कि डॉक्टर्स भी करते हैं, मरीज भी करते हैं, दोनों मिल के करते हैं, पूरी दुनिया में होती हैं, तो इनसे बचें। ये मेरा हाइपरटेंशन डे पे आपको पैगाम है। तो मैं तो कोशिश करता रहता हूँ, आप भी आगे इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि शायद किसी और का फ़ायदा हो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।